गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। और एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं मैं अपने प्रोग्राम में। और मेरे साथ हर बार की तरह मौजूद हैं मेरे एडिटोरियल हेड एडविन अमन सर। सर आपका बहुत स्वागत है। मेरे प्रोग्राम का जो मुद्दा है वो मुद्दा बताने से पहले मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी। लाइन है, अपने तो अपने ही होते हैं, चाहे लाख तलखियां हो जाएं, लाख तलखियां हो जाएं, मतभेद हो जाएं, मनभेद हो जाएं, लेकिन कहते हैं ना कि भाई भाई होता है। चाणक्य नीति का भी थोड़ा सा जिक्र करती हूँ। चाणक्य ने भी कहा है कि भाई को भाई से सारी बातें बतानी चाहिए, पत्नी से सारी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका हमेशा दुष्परिणाम ही भविष्य में देखने को मिलता है। तो अब ऐसे में जिस तरह से भाई भाई की बात कर रही हूँ, तो निस्संदेह बिहार की तरफ रुख है मेरा, और बात कर रही हूँ मैं लालू के दो लाल यानी कि तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को लेकर। तेज प्रताप यादव तलाक को लेकर खबरों में लगातार बने हुए हैं। तेजस्वी से उनकी अनबन भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में है, मनभेद बहुत खुलकर सामने आ रही। इसी बीच ये भी खबर आ रही कि तेजस्वी को आरजेडी में एक और अहम जिम्मेदारी देने की पूरी प्लानिंग की जा रही है पिता लालू प्रसाद यादव की तरफ से। अब इसी बीच में बंगला राजनीति शुरू हो गई है बिहार में। तेजस्वी यादव को एक बंगला मिला था जब वो बतौर उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन जैसे ही वहां पे सरकार पलटी और नीतीश ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके दोबारा सरकार बनाई, तो अब उन्हें बंगला खाली करना चाहिए, लेकिन वो बंगला खाली नहीं कर रहे हैं। उनके बंगले के बाहर एक पर्चा चिपका है जिसपे लिखा है कि कोर्ट में विचाराधीन मामला है, इसलिए बंगला खाली कराने की कोशिश ना करें। अब अधिकारी पशुपेश में आखिर क्या करें। अब इसी बीच जहां सब कुछ तेजस्वी के खिलाफ है, वहीं भाई तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं उनके पक्ष में उतर आए। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हिम्मत है तो बंगला खाली करके दिखाओ मेरे भाई का, ये बोला है उन्होंने। यानी कुल मिलाकर जिस तरह से बहुत ज्यादा तलाक के बाद ऐसी खबरें आ रही थी कि तेजस्वी और तेज प्रताप में बिल्कुल नहीं बन रही है, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, वो कहीं ना कहीं निराधार साबित होती हुई नजर आ रही है। सर क्या लगता है, जिस तरह से बंगले को लेकर तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को साथ दिया है, उससे कहीं ना कहीं उन सभी बातों को सिरे से खारिज कर देना चाहिए जिसमें कहा जा रहा था कि भाई भाई के बीच में वर्चस्व की लड़ाई है? बिल्कुल, एक प्रोग्राम में गायत्री जी मैंने आपको एक शेर पढ़ा था कि दुश्मनी ने दोस्ती का सिलसिला रहने दिया, कि उसके सारे खत तो जलाए मगर पता रहने दिए। यानी इतने दिनों के बाद एक बार फिर तेज और तेजस्वी की जिस तरह से बॉन्डिंग आप बात करें कि अपने तो अपने होते हैं, वो नजर भी आ रहा है। भले ही वो कानून ठीक है या नहीं ठीक है वो बात की बात है, लेकिन अगर मेरे भाई पे कोई आंच आई है तो मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा। और तेज ने एक बार फिर यह साबित किया है कि मैं बड़ा हूँ, तो बड़ेपन का मैं आपको असर भी दिखाऊंगा, क्योंकि लगातार हम अपने प्रोग्राम के जरिए यही बात कर रहे हैं कि दोनों भाइयों में कहीं ना कहीं कोई वजह है जिस कारण साथ नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन देखिए दूर तो हैं, आज भी अगर एक बयान की बात करें तो ऐसा नहीं बयान देने के बाद तो दोनों पास आ गए, साथ मिलकर रह रहे हैं। लेकिन देखिए तमाम तलखियों को पीछे छोड़ते हुए, तमाम बातों को पीछे छोड़ते हुए, तमाम अपनी जो नाराजगी है उसको पीछे छोड़ते हुए तेज आगे आए हैं। और आगे आते हुए उन्होंने क्या बोला है कि अगर दम है तो खाली कर लो बंगला। और ये चीज एकदम भरती है भाई के प्रति प्रेम को लेकर भी, कि उनके अंदर वो शायद वो फूटा है। एक बार फिर मैं जो बात कर रहा हूँ कि वो छोटा सा जो एक झरोखा है वो खुला है, और शायद जो बहुत समय से जो चीज बंद थी दोनों तरफ से, उसका भी शायद रास्ता आसान होगा इसके जरिए। बंगले के साथ में जो राजनीति शुरू हुई है, जो राजनीतिक उनकी जो एक बार फिर बॉन्डिंग शुरू नजर आ रही होती हुई, वो आगे जाएगी जरूर, क्योंकि देखिए दोनों ही भाइयों का पार्टी को जरूरत है। इसीलिए राजद तेज की हर चीज पर नजर रख रही है, कहाँ यहाँ तक कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ ठहर रहे हैं, कहाँ नहीं ठहर रहे हैं, कौन साथ में उनके हैं, कौन साथ में नहीं है, कौन उनको साथ दे रहा है। क्योंकि लगातार हम कल भी प्रोग्राम में बात कर रहे थे, कोई तो है जो तेज को सपोर्ट कर रहा है, पर्देदारी है उसकी, वो बैकग्राउंड में रहकर बहुत सारी चीजें क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से कहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव एक लंबे अरसे राजनीति कर रहे हैं, वो सब चीज भापते हैं, देखते हैं, क्योंकि उनको अनुभव है। और ये अनुभव है क्योंकि जो दिखा रहा है कि कोई तीसरा है जो हमारे बीच खलल डालने की कोशिश कर रहा है। मैं अखिलेश यादव का एग्जाम्पल देना चाहूंगा, अखिलेश यादव ने कहा था कोई तीसरा है जो हमारे परिवार को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, वो तीसरा कौन था, कुछ दिनों के बाद वो सामने बात आ गई। तो यानी कि इसमें भी क्या कोई तीसरा है, लेकिन वो तीसरे की बात बाद में, पहले इसकी कि दोनों भाई एक मंच पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जी खड़े होते हुए नजर आ रहे, कहीं ना कहीं सकारात्मक है लालू यादव के परिवार के लिए। और जिस तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं तेज के तलाक को लेकर, उसके बीच में तेजस्वी यादव के साथ तेज प्रताप का आना वाकई एक बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं लालू प्रसाद और उनके परिवार के लिए। सर क्या लगता है, जिस तरह से तेज प्रताप ने बंगले को लेकर तेजस्वी का सपोर्ट किया, तेजस्वी बंगला नहीं खाली कर रहे हैं, एक तरफ ये कहा जा रहा कि बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तेजस्वी को एक अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है,
हालांकि वो पूरी तरह से निभा रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी के बीच में जो ये बात कही जा रही थी हो सकता है कि अलग पार्टी बना लें, अलग बंगला ले रहे हैं, तो क्या अब मान लें कि नहीं वो सब बातें गलत हैं क्योंकि वो भाई तेजस्वी और अपने परिवार के साथ है? देखिए, मैंने एक बात कही शुरू में भी कि सामान्य हो रहे हैं रिश्ते, सामान्य हुए नहीं। यानी एक बात से सिर्फ आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि सब कुछ सामान्य हो गया है, क्योंकि वो भले ही भाई के, मैं फिर कहूंगा कि भाई के एंगल से जरूर सामने आए हैं, लेकिन एक पार्टी के नाते क्या वो तेजस्वी के साथ होंगे? क्या तेजस्वी के साथ वो आगे बढ़ना चाहेंगे? क्या खुद नहीं चाहेंगे मैं पार्टी की कमान संभालूं? क्या अपने भाई, छोटे भाई को वो कमान देने के लिए राजी हो जाएंगे? क्योंकि लगातार हमें इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं गायत्री जी, खासकर राजद को लेकर, कि कहीं ना कहीं ये एक पद की लड़ाई भी है शायद, और वो भले ही शो ऑफ ना करें उस बात को, ना सामने ले आए मीडिया के, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक अलग बंगला क्यों, अपने परिवार से अलग क्यों? एक अगर पत्नी का ही मामला है तो पत्नी का मामला एक अलग तरह से हो सकता है, कि आपने शुरू में कहा कि चाणक्य नीति है, भाई तो भाई होता है। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम है आपस में तो प्रॉब्लम किस लिए और क्यों है? क्या वो शॉर्ट आउट नहीं हो सकती? क्या एक छत के नीचे अब ये दो जो महाशक्ति हैं पार्टी की, मैं कहूंगा एक तरीके से, क्या वो एक साथ नहीं रह सकती? या इसकी कुछ और सुबुहाट है? क्योंकि लगातार ये बात हो रही है कि कोई तीसरा है जो तेज को भड़काने का काम कर रहा है। तेज को भड़काने का काम कर रहा है। और ऐसा क्या आपको नहीं लगता, तेज प्रताप यादव जब वृंदावन में थे तो उनके दोस्त कहते हैं कि तेजस्वी के लिए उनको बहुत चिंता हो रही है और उनको राजनीति का वो अर्जुन मानते हैं, फिर वहां बंगले को लेकर तेज प्रताप यादव ने स्टैंड लिया है तेजस्वी का, तो क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव को भी इस बात का इल्म हो रहा है कि कहीं ना कहीं विरोधियों के सामने सियासी गलियारे में ये बात चर्चाओं में आ रही है कि किस तरीके से तेजस्वी को पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए तलाक की वजह भी सामने आ रही है, तो क्या तेज प्रताप यादव इसीलिए आप खुलकर सामने आ रहे हैं कि ताकि उन सभी बातों को खारिज कर सके? ठीक है, मैं फिर कहूंगा, मैंने दोबारा मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए ये शुरुआत, हम शुरुआत में ठीक से नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा एक भाई के प्रति भाई का लगाव है, बट ये पार्टी एंगल से नहीं है, क्योंकि अभी भी सारी चीजें सामान्य नहीं हुई हैं। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि अगर लालू में हिम्मत है तो मेरे भाई से, सॉरी, उन्होंने अगर सरकार के खिलाफ बोला है, अगर सरकार में हिम्मत है तो मेरे भाई से बंगला खाली करके दिखाएं। नहीं, भाई बात यहाँ पर नजर आ रहा है, पार्टी बात अभी बात की बात है। दूसरी बात क्या है कि आप बोल रहे हैं कि जब इतनी फिक्र है तो वो साथ में क्यों नहीं आते, तो यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर उनको अपने भाई की चिंता है, उनके अपने भाई से इतना लगाव है, यानी कि पार्टी के एंगल से मैं बात कर रहा हूं, तो क्यों नहीं अपने भाई के साथ में मिलकर वो पार्टी को एक नए तरह से तैयार करते हैं, तो यानी कि आपका ये कहने का मतलब है कि वो भाईवाद खेल रहे हैं लेकिन पार्टीवाद में अभी भी उनके बीच मनभेद और मतभेद हैं, जो कि आने वाले वक्त में और उभरेंगे। दीवार फिल्म में एक डायलॉग है जब शशि कपूर अमिताभ बच्चन से बोलते हैं कि जब तक एक भाई कहेगा तो एक भाई सुनेगा, जब एक पुलिस वाला, जब एक मुजरिम कहेगा तो एक पुलिस वाला सुनेगा, यानी कि ये भाईवाद है। और यहाँ पर अगर भाई बात की बात करें तो जाहिर तौर पे आपकी भले ही कितने ही रिश्ते बिगड़े हों, लेकिन एक भाई के प्रति मोहब्बत तो रहती है, वो नजर आ रही है। क्योंकि मैं गायत्री इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि लालू प्रसाद यादव लगातार चिंतित है, वो ये बोल रहे हैं कि कोई तीसरा है जो पार्टी में को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 2019 का चुनाव बहुत नजदीक है, अगर रिश्ते सामान्य नहीं होते हैं तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं पार्टी को जरूर भुगतना पड़ जाएगा। जी, लेकिन तेज प्रताप यादव और तेजस्वी का भले ही भाईवाद हो, लेकिन क्या इससे हम ये नहीं सोच सकते कि आने वाले समय में जो उनका पार्टीवाद है वो भी खत्म हो सकता है? हम सही क्यों नहीं सोच सकते? देखिए, पिक्चर अभी बाकी है, अभी आप इसको अंत मत मानिए, क्योंकि अभी बहुत सारा खेल होना बाकी है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक तलाक की लड़ाई नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो तेज भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे हैं पूरे अगर मामले को देखेंगे, क्योंकि महिलाओं में जो नाराजगी उनके प्रति आई है इस फैसले को लेकर कि वो इतनी जल्दी तलाक दे रहे हैं 6 महीने के अंदर, तो एक गलत इम्पैक्ट भी क्रिएट हो रहा है। ऐसे में बहुत सारे सवाल, मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सारी बातें जो निकलना बाकी हैं अभी, बहुत सारे सवाल हैं जो होना बाकी है अभी, लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता है कि तेज इसके सहारे अपनी जो एक बात कर रहे हैं कि Image. सब कुछ खत्म नहीं करना चाहते, वो कुछ बचा के रखना चाहते हैं, क्यों आने वाले दिनों में हो सकता है कि उन्हें वापसी अपने भाई के साथ खड़े होने का जो बात हम लोग कर रहे हैं वो खड़े होते हुए नजर आए, तो अभी यानी कि बहुत सारी चीजें होना बाकी है। हाँ, लेकिन एक सिर्फ बयान देने भर से हम ये नहीं कह सकते कि दोनों के रिश्ते सामान्य हो गए, पार्टी के लिए वो सामान्य हो गए। चलिए, बयान से हम नहीं मानते कि उनके रिश्तों में सुधार है, लेकिन कहीं ना कहीं तेज प्रताप का तेजस्वी के लिए ये स्टैंड उनकी ही पार्टी के उन कहते हैं ना जो खिलाफत कर रहे हैं, जो एक अभी सुर पनप रहे धीरे धीरे और बगावती सुर पनपे, उन नेताओं को भी कहीं ना कहीं करारा जवाब है कि हमारे दोनों भाइयों के बीच में आग लगाने की कोशिश मत करो, मैं अपने भाई के साथ हूँ, तेजस्वी मेरे साथ। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी सिर्फ हम लोग कयास लगा सकते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जब तक एक भाई कहेगा एक भाई सुनेगा, जब एक मुजरिम कहेगा तो एक पुलिस वाला, यानी कि अभी पॉलिटिकल एंगल से आप इसको करेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे मायने निकलने बाकी हैं, बहुत सारी बातें सामने आना बाकी हैं, क्योंकि तेज
और तेजस्वी दोनों को लेकर जो सियासी घमासान है वो शांत नहीं हुआ है, क्योंकि पार्टी लगातार इस पर बात कर रही है कि कोई तीसरा है जो उनको आपस में बांटने की कोशिश कर रहा है। गायत्री जी, अगर बांटने की कोशिश कर रहा है तो बांटने के मायने क्या है? क्या वो पद को लेकर बांटने की कोशिश कर रहा है या अलग पार्टी बनाने को लेकर वो उसको कोशिश? तो कोई ना कोई तो मायने हैं। जो पार्टी से लेकर लालू प्रसाद यादव जैसे सीनियर लीडर तक परेशान है, यानी किसी कोई ना कोई जो बैकग्राउंड हम बात करें, पर्दादारी की बात करें, वो कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनको परेशान कर रहा है। चलिए तेजस्वी, मान लेते हैं कि अभी अभी हम पिक्चर अभी बाकी, अभी हम इन इस छोटे से बयान पे बहुत ज्यादा एक पटकथा नहीं लिख सकते, पूरा स्क्रिप्टेड नहीं कर सकते पूरी फिल्म को। लेकिन क्या लगता है, जिस तरह से तेजस्वी बंगला खाली नहीं कर रहे, जैसे कि बंगले को लेकर बात कर लेते हैं जाते जाते, वो बंगला खाली नहीं कर रहे, उन्हें कब मिला था बंगला? जब वो उप मुख्यमंत्री थे। अब वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी के नेता है, नेता प्रतिपक्ष है। तो ऐसे में क्या लगता है कि तेजस्वी भी जिद्दी नहीं हो रहे हैं और इसका सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल, बहुत सारे मामले इसको बात हो सकती है, क्योंकि वो खुद भी कह रहे हैं, देखिए जो चिपकाया बाहर घर के, उन्होंने ये बोल रहे हैं कि भाई कोर्ट में विचार दिन मामला है, यानी कि वो कोर्ट गए हैं, इसका मतलब कि वो लड़ने के मूड में सरकार से। और नीतीश को सरकार को लेकर वैसे ही वो पहले से ही बड़ा बहुत ज्यादा वो जो गर्म जोशी के साथ में उसकी बात रखते हैं, आक्रोशित अपनी बात रखते हैं, तो ये हो सकता है कि वो लड़ने के मूड में हो, उस पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से राजनीति नजर आ रही है, दोनों भाई के साथ नजर आ रहे हैं, यानी कि एक पहल हो सकती है। और जाहिर बात है, आपने इस बात से मैं एग्री करूंगा कि जो उनको बांटने की कोशिश कर रहे हैं उनके पेट में जरूर दर्द होने वाला है, क्योंकि ये दोनों भाइयों का अगर मिलन होता है तो न सिर्फ पार्टी के लिए बेहतर होगा बल्कि घर की जो कलह है उसमें भी कहीं ना कहीं सुलझाने का मौका मिलेगा। जी वाकई, और कहीं ना कहीं उन नेताओं को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा जो कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब भी दो भाइयों के बीच रार होती है या दो परिवारों के बीच रार होती है या दो शख्सों के बीच रार होती है, तो कहीं ना कहीं तीसरा शख्स या तो मजे लेता है, या तो सुलझाता है या तो आग में घी डालता है। अब तेज प्रताप और तेजस्वी के मसले के बीच में यही है, क्योंकि इसका पूरा जो मसला है पारिवारिक नहीं, अब सियासी हो गया है। तलाक तो छोड़िए, अब कहीं ना कहीं भाई भाई के बीच में वर्चस्व की लड़ाई है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव का तेजस्वी के लिए सपोर्ट करना कि हिम्मत है तो बंगला खाली करके दिखाओ, इसको हम नहीं मान सकते कि वाकई उन पर उनके रिश्ते भी सुलझाओ की कगार पर। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हम अच्छा सोच सकते हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में संकेत दे रहे हो तेज प्रताप यादव कि मुझसे थोड़ा सावधान रहो अगर मेरे भाई के खिलाफ मुझे भड़काने की कोशिश की। फिलहाल देखते हैं कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी के बीच जो राज चल रही है, जो खबरें आ रही हैं, इस बयान से कितनी वो सुलझती हैं और क्या वाकई जिस तरह सर ने कहा कि ये भाईवाद है, पार्टीवाद तो अभी खुलकर सामने ही नहीं आया, तो क्या मान लें कि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसा पार्टीवाद खुलकर सामने आएगा जिसपे कहीं ना कहीं भाई भाई की जो एक कलाई है, जो असलियत है, वो खुलकर सामने आ जाएगी? क्या लगता है दर्शकों आपको, वाकई तेज प्रताप यादव के बयान को हम मान लें कि वो अब कहीं ना कहीं सुलह की कगार पे हैं, या आप सोच रहे हैं कि मेरा भाई है? क्या उनका जो प्यार है वो सिर्फ दिखावा है या फिर सही में उनका एक प्यार है अपने भाई के लिए जिसको वो अब दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं? क्या सोचते हैं आप, कमेंट बॉक्स के जरिए हमें अपनी राय बताइए। तो दर्शकों, आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही, होगी आपसे फिर मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया मंसर, नमस्कार दर्शकों।